हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आपको पता होगा कि इस साल काफ़ी बाढ़ देखने को मिली है, बहुत ज़्यादा वर्षा देखने को मिली है, जिसके कारण हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए हैं, नुकसान हुए हैं, जिसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता दोस्तों, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है। ये केवल किसान के ही हिस्से में आती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जितनी भी हानियाँ होती हैं, वो किसान को ही झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस इम्पॉर्टेंट डेटा के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि किस किस स्टेट में कितने कितने हेक्टेयर ज़मीन बर्बाद हो गई, या बोल सकते हो इतने इतने हेक्टेयर खेती बर्बाद हो गई, जिसके कारण एग्रीकल्चर फील्ड प्रभावित हुआ है। तो स्टेट वाइज स्टेट हम जानेंगे इस इम्पॉर्टेंट डेटा के बारे में, जो कि लगभग 15 स्टेट में ये हानि हुई है, किसी में ज़्यादा हुई है, किसी में कम हुई है। और ये भी जानेंगे कि सबसे ज़्यादा हानि बाढ़ से या बारिश से किस राज्य में हुई है। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में लास्ट तक। करंट का डेटा है, 22 नवंबर का ये करंट डेटा है, जो आपको पता होना चाहिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये डेटा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से, जो कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से रिलीज़ किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको पूरा पढ़ते हैं दोस्तों। लगभग 15 स्टेट में, जो कि असम से लेके यहाँ पर नागालैंड तक ख़त्म हुई है, यहाँ पे डैमेज देखने को मिला है, जो कि फ्लड के कारण बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। तो जानेंगे दोस्तों इस इम्पॉर्टेंट डेटा के बारे में, जो हुआ था आपका साउथ वेस्ट मानसून के कारण। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून की तरफ से ये जो फ्लड, ये वर्षा आई थी, उसके कारण फ्लड पैदा हुआ और फ्लड के कारण इतना खेत, या बोल सकते हो इतनी खेती बर्बाद हो गई। ठीक है, ये आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो ये जो साउथ वेस्ट है, यहाँ से दोस्तों वर्षा आई थी। ठीक है, तो जानेंगे इस डिटेल में। तो दोस्तों, ये है आपका रिपोर्टेड लॉस ऑफ क्रॉप्स बाय स्टेट ड्यू टू फ्लड, लैंडस्लाइड, हाइड्रोमेटोलॉजिकल हैजार्ड्स ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून। तो जानेंगे जितनी भी बाढ़ आई हैं, ठीक है, या उसके बाद भूमि स्खलन हुआ है, या बोल सकते हो हाइड्रोमेटोलॉजिकल हजार, जितनी भी पानी वाली चीज़ें हुई हैं, चाहे वो बारिश हो, वर्षा हो, उससे कितना नुकसान देखने को मिला है क्रॉप्स में, जो कि डेटा है 1/6/2019 से 14/11/2019 के बीच का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक सर्वे हुई थी, उसमें निकाला गया है कि इतना एग्रीकल्चर एरिया अफेक्टेड हुआ है ड्यू टू फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड हाइड्रोमेटोलॉजिकल हजार्ड्स। तो यहाँ पर बात करेंगे, असम की बात करेंगे, तो 2.14 लाख हेक्टेयर खेती प्रभावित हुई है। ठीक है दोस्तों, इतनी क्रॉप वहाँ पर क्या हुई, डैमेज हो गई, ख़राब हो गई, जिसके कारण वहाँ के किसानों को, लाखों करोड़ों किसानों को वहाँ पर नुकसान झेलना पड़ा। बिहार की बात करेंगे, तो इस बार बिहार में बाढ़ आई थी, पटना में आप जानते होंगे पानी भरा रहा था, तो 2.16 लाख हेक्टेयर यहाँ पे नुकसान हुआ है, किसका, बिहार स्टेट का। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, तो 0.018 लाख हेक्टेयर खेती खराब हो गई बारिश के कारण या फिर फ्लड के कारण। ठीक है दोस्तों, कर्नाटका की बात करेंगे, तो 9.35 लाख हेक्टेयर यहाँ पे, तो आपको पता होगा कर्नाटका में भी बाढ़ आई थी, बारिश बहुत हुई थी, जिसके कारण 9.35 लाख हेक्टेयर खेती बर्बाद हो गई कर्नाटका के फार्मर्स की। केरला की बात करेंगे, तो 0.31 लाख हेक्टेयर। मध्य प्रदेश में 6.04 लाख हेक्टेयर खेती खराब हो गई, एग्रीकल्चर क्रॉप डैमेज हो गई। महाराष्ट्र की बात करेंगे, 4.17, और आपको ये बताना चाहिए कि सबसे ज़्यादा सुसाइड कहाँ पर होते हैं फार्मर्स के, तो वो भी महाराष्ट्र में होते हैं। तो महाराष्ट्र में 4.17 लाख हेक्टेयर खेती खराब हो गई इस साल नहीं बोलेंगे, 4-5 महीनों में। नागालैंड की बात करेंगे, तो 0.02 लाख हेक्टेयर। उड़ीसा की बात करेंगे, 1.49 लाख हेक्टेयर। पंजाब की बात करेंगे, तो 1.51 लाख हेक्टेयर खेती खराब हो गई। अब दोस्तों इम्पॉर्टेंट, जो कि जीके में क्वेश्चन आ सकता है, कि इस साल सबसे ज़्यादा फ्लड या लैंडस्लाइड या फिर जितने भी हजार्ड्स होते हैं एनवायरनमेंट के, उससे खेती खराब हुई है, वो कौन सा स्टेट है, तो उसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान दोस्तों सबसे ज़्यादा लॉसेज हुए हैं, जो लगभग 27.36 लाख हेक्टेयर खेती बर्बाद हो गई है इस बार राजस्थान की। ठीक है, तो राजस्थान में भी बाढ़ आई थी इस बार। तो यहाँ पर दोस्तों हम भी बोल सकते हैं कि इतनी ज़्यादा, सोचिए कि इतना ज़्यादा हेक्टेयर्स में है ये डेटा। ठीक है, इतने ज़्यादा लाख हेक्टेयर में डेटा है, कितने ज़्यादा फार्मर्स होंगे जो यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा
जो क्रॉप प्रभावित हुई है वो किस स्टेट में, तो आपका आंसर होगा राजस्थान। त्रिपुरा की बात करेंगे तो 0.014 लाख हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ भी काफ़ी है, 8.88 लाख हेक्टेयर खेती प्रभावित हुई है, खेती नष्ट हो गई है इस कैलेमिटीज़ के कारण। उत्तराखंड की बात करेंगे तो 0.003 लाख हेक्टेयर खेती खराब हुई है। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो 0.08 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर क्रॉप डैमेज हुई है। टोटल अगर बात करेंगे तो 63.995 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर क्रॉप डैमेज हो गई ड्यू टू फ्लड, लैंडस्लाइड और हाइड्रोमेटोलॉजिकल कैलमिटीज़। ठीक है दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है जो दिया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में 22 तारीख को। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, करेंट डेटा है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है। इसको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट को पता चले कि कितना कितना नुकसान हुआ है इस बार बाढ़ के कारण खेती में। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और वीडियो कम से कम एक व्हाट्सएप या ग्रुप में जरूर शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट को इस इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में पता चल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।